उनके वापस आने का वेट नहीं कर सकती। मैं उनके बिना बहुत अकेली हूँ। उनके पास हमेशा बहुत सारा काम होता है। उनके पास एक कॉल है मिस बेबी। आखिरकार, हाय मॉम, आप कहाँ हो? मैं जल्दी घर आऊँगी। मैं रास्ते में ही हूँ। मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ मॉम। यही चल रहा है? लगता है आपका पेट खराब हो रहा है। रुको, एक बच्चे को ये सब नहीं देखना चाहिए। शांत हो जाइए मिस वेंडी, सब ठीक हो जाएगा। वो मुसीबत में है ब्रेंडन, कुछ करो। चलो कार्टून्स देखते हैं। अब बेहतर है, वो शांत हो गई, पर ज्यादा देर के लिए नहीं। ब्रेकिंग न्यूज़, एक प्लेन क्रैश हो गया है। मेरी मॉम उसी प्लेन में थी ब्रेंडन। सब खत्म हो गया, मैं सोफी कभी वापस नहीं आएंगी। वो सबसे अच्छी मॉम थी। मैं आपके साथ हूँ मिस वेंडी। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ मॉमी। मैं कभी आपको नहीं भूलूंगी। पर मिलियनेयर किसी भी मुश्किल सिचुएशन से निकल जाते हैं। सोफी एक सुनसान आइलैंड में फंस गई है। उसके आसपास एडवेंचर से भरा समुद्र है। की क्या कोई यहाँ है? क्या कोई भी नहीं? याइक्स, इस आइलैंड की सर्विस बकवास है। ठीक है, घबराओ मत, मेरे पास फोन है। मुझे पुलिस को कॉल करना चाहिए और रेस्क्यू टीम को और फायर डिपार्टमेंट को। कोई फायदा नहीं, यहाँ पर सिग्नल ही नहीं है। चलो भी, मैंने ये दिन देखने के लिए इतने पैसे नहीं खर्च किए थे। समझ नहीं आ रहा, इसलिए हम इसे पुराने तरीके से करेंगे। मिलियंस का ही जाहिर है, पर इतना काफी होना चाहिए। चलो चलिए, चलो इस मनी पजल को सुलझाते हैं। SOS, हे दोस्तों, मैं यहाँ हूँ। तो मुझे कब बचाओगे? जिंदगी अब कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। अब आप मॉम को कभी वापस नहीं ला पाओगे। मिस वेंडी, आप स्ट्रांग हो, आप ये संभाल सकती हो। ब्रेंडन, मॉम को वापस ले करो। ये उदासी का झरना कभी नहीं रुकेगा। मिस वेंडी, लगता है कोई है। मैं अभी आता हूँ। पता नहीं इस दुख के समय में कौन आया होगा। कोई आपसे मिलने आया है मिस वेंडी। ये आपकी मॉम की लॉयर है। वेंडी अभी अमीर बनने के लिए काफी छोटी है, पर सारे मिलियन डॉलर्स उसी को मिलने वाले हैं। आपकी मॉम आपके लिए ये सब छोड़ के गई है वेंडी। ये आपके लिए, ये भी, इसे भी मत भूलना। लॉयर का काम काफी मुश्किल होता है। मिलियंस को लेकर घूमना इतना आसान काम नहीं होता। और एक और चीज वेंडी, अब तुम अपनी मॉम की कंपनी की CEO हो। मुबारक हो, यह बिजनेस के लिए तैयार हो। एक कंपनी चलाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और ये डरावना भी होता है। सोफी की मुसीबतें और भी बड़ी है। मैं पानी कैसे लाऊं? इस आइलैंड पर तो कॉकटेल भी सर्व नहीं होती। मुझे एक कैन की जरूरत है। अगर मैं पानी खोद कर निकालूं तो? चलो काम पर लगते हैं। अच्छी चीज मिली है और सोफी के पास पहले भी बहुत सारा गोल्ड है। चलो करते रहे, क्या कोई मजाक चल रहा है? दोस्त, मैं अभी तुमसे उलझना नहीं चाहती। सबसे पहली चीज है हार ना मानना। सब ठीक हो जाएगा। यहाँ नीचे कुछ है। क्या ये कोई अंडरग्राउंड स्ट्रीम है? वाह, ये तो असली खजाना है। बोरिंग, पर्ल्स, गोल्ड, डायमंड्स। पानी कहाँ है? आज स्कूल में एक बड़ा इवेंट है। अभी अकेली है। उसकी मामा कभी स्कूल नहीं आ पाएंगी। लकी क्लासमेट, उनके पास उनकी मॉम है। सब साथ है। मैं इसे और नहीं झेल सकती, उसे मदद चाहिए। मेरे पास एक आइडिया है। मम्मी, मेरे पास वापस आ जाओ। ऐसा नहीं हो सकता, क्या रिचार्ज पूरी हो गई? ये तो, ओह नहीं, ये मॉम नहीं है, ये नकली है। वेंडी, ये मैं हूँ। हक चाहिए। बस करो ब्रेंडन, ये तुमने बहुत ज्यादा कर दिया। मॉम की रिप्लेसमेंट काम नहीं आई और पूरी क्लास हैरान है। किसी को इसकी उम्मीद नहीं थी। मुझे अकेला छोड़ दो ब्रेंडन। मैं समझ गया मिस वेंडी, खुद को मत रोको, शर्माओ मत, थोड़ा रो लो। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। वेंडी को उठाना बहुत मुश्किल है। मिस वेंडी, उठो, हम काम के लिए लेट हो जाएंगे। सोफी ने ये
ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करी? चलो सोचते हैं। मिस बेटी सुबह हो गई है, उठो। पर उसकी नींद पूरी नहीं हुई, बेटी को आराम करना है। हो अच्छा, प्लान बी पर चलते हैं। लगता तो बहुत बुरी है, मैं ये नहीं करना चाहता था। मिस वेंडी आपने मुझे मजबूर किया, टेंशन जाओ नहा कर आओ, ठीक है? ऐसे नहीं चलेगा मिस वेंडी, अब ऑफिस जाने का समय है, चलो चले। और ऑफिस में तो अलग ही माहौल है, हम बर्बाद होने वाले हैं, कंपनी को कौन बचाएगा? जाहिर है वेंडी, वो हमारी सीईओ है, हालांकि वो थोड़ी नींद में है। हम आ गए मिस वेंडी, बस कंपनी तो गई, वो बस एक बच्ची है, उसे फाइनेंस के बारे में कुछ नहीं पता। मुझ पर मत चिल्लाओ, मिस वेंडी को परेशान मत करो, समझ गए? मेरी नजर तुम पर ही है। ठीक है, आप सुबह आमतौर पर क्या करती है? मेरे ख्याल से वो कॉफी पीती है। क्यों? ये बकवास है, इसी की कमी थी, नई डायरेक्टर के साथ मजा आएगा। चलो भी आजा, कुछ समझ करो। मिस वेंडी, आप स्टॉक्स के बारे में क्या कहना चाहोगी? कैसे स्टॉक्स? वो क्या होता है? मिस वेंडी, मुझे जवाब चाहिए, हम शेयर होल्डर्स से क्या कहेंगे? शेयर होल्डर्स? हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। दोस्तों, अब हम कार्स नहीं बेचेंगे, हम बेचेंगे कैंडी। हाँ, काम कर गया, हमें बहुत प्रॉफिट हुआ। बहुत अच्छे मिस वेंडी, छोटी सी रीब्रांडिंग से कंपनी बच गई। ही सीईओ होना इतना भी मुश्किल नहीं है, देखो और सीखो दोस्तों, मेरे पास और भी बहुत आइडियाज है। मुझे बहुत भूख लगी है, और यहाँ पर पिज्जा डिलीवरी बिल्कुल काम नहीं करती। हो वो क्या है? एक गोल कार और एक चेन, चलो उन्हें जोड़ते हैं, और ये बन गई मिलियनेयर की रॉड। इससे काम चलना चाहिए, वैसा मूव इसमें कैसे करते हैं? इसे पानी में फेंक दो और इंतजार करो। ये बुक में कुछ फंसा है, इससे काम नहीं बनेगा, मैं इसे कुछ नहीं बना सकती। चलो दोबारा ट्राई करते हैं, अब ये हुई ना बात, ये बड़ी मछली है, तुम मुझसे दूर नहीं भाग सकती। आप क्या कर रही हो मैम? हम यहाँ ऐसा नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, मैंने आपको माफ किया, लेकिन पानी के आसपास भी मत आना। चलो भी, वो एक एक्सीडेंट था, मैं ये ले जा रहा हूँ। मिस्टर नेपच्यून, वो मेरा है, मैं नजर मिला बिना कैसे रहे? तुम समुद्र के जानवरों के साथ मजाक नहीं कर सकती, इसे भूलना मत, आज सब चैरिटी। तो फिर मुझे मदद करनी चाहिए, मेरे पीछे आओ, बेगर डॉग्स को मदद चाहिए, बच्चे और किटन्स को भी, अनदेखा मत करना। जरूर ले लो, क्या इतना काफी है? सच में आप बहुत दयालु हैं। क्या हम बेगर बर्ड्स को भी बचा सकते हैं? हाँ जरूर, मुझे कोई परेशानी नहीं है। क्या वो वहाँ पर फ्री के पैसे बांट रहे हैं? इसका फायदा तो उठाना ही चाहिए। और आज के लिए चैरिटी सेंटर बंद हो रहा है। ही, तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने सुना है कि तुम कैट्स की मदद कर रही हो, क्या ये सच है? तो लो, मैं आ गया। बैंडन, ये बहुत उदास है, हमें इसे भी पैसे देने चाहिए। क्या किस्मत है, मेरा मतलब चैरिटी की कोई हद नहीं होती। लगता है अमीलर्की के पास अब भी बहुत पैसे हैं। क्या तुम बेगर डॉल से इसकी मदद करती हो? बताओ भी, शर्माओ मत, गंदा तो नहीं है क्या? हाथ हटाओ, नहीं तो तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा। मॉम ये चैरिटी कैसे संभालती है? और सोफी के पास अच्छी खबर है, उसका कनेक्शन मिल गया, तो आस पास कुछ लोग हैं, चलो उन्हें ढूंढते हैं। वाह, आखिरकार थाईलैंड से बाहर निकल गई, ये मैं बच गई। तुम लोग कहाँ पर हो? मॉम को जल्दी करनी होगी, बुराई कभी नहीं सोती। एक अमीर लड़की अपनी माँ के बिना रहती है,
का मौका नहीं छोड़ सकता। कुछ बहुत बुरा होने वाला है। अपराधी आस पास ही है, पहले बड़ी मुसीबत में है, पर वो ऐसा होने नहीं देंगी। वो यहाँ आ चुकी है। मामा घर आ गई है हनी, क्या तुम दरवाजा खोलोगी? लेकिन चोर ज्यादा तेज निकला। तुम कौन हो? बचाओ, शोर मत मचाना। ठीक है, बस अपनी जायदाद दे दो। हनी, मैं आ गई। तुम कौन हो? यहाँ से निकल जाओ। मॉम की टाइमिंग शानदार है और घर में कोई चोर नहीं घुसेगा। मॉमी, क्या ये आप हो? हनी, मैं ठीक हूँ। यहाँ आओ, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। वादा करती हूँ कि अब कोई लंबी बिजनेस ट्रिप्स नहीं।